भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे को बीच में ही खत्म करके यूएई में यहाँ पर खेले जाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के यहाँ पर दूसरे चरण के लिए आना पड़ा है। और इंग्लैंड में यहाँ पर भारतीय जो है कैंप में कोचिंग स्टाफ को यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए जाने की वजह से सीरीज का आखिरी मुकाबला रद्द करना पड़ा और इसी वजह से यहाँ पर खिलाड़ियों को जो है आईपीएल से पहले अपनी अपनी फ्रेंचाइजी टीम के साथ जो है जुड़ने से पहले जो क्वारंटीन होना पड़ा है। 10 से 14 सितंबर के बीच इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले आखिरी टेस्ट मैच को रद्द करने का फैसला मैच के दिन ही लिया गया। इसके बाद तमाम फ्रेंचाइजी टीम ने यहाँ पर अपने अपने खिलाड़ियों को इंग्लैंड के मैनचेस्टर से यूएई में होने वाले आईपीएल के लिए लाने का इंतजाम किया। चार्टर प्लेन से टूर्नामेंट के लिए दुबई लाए जाने के बाद नियम के मुताबिक सभी खिलाड़ियों को 6 दिन के लिए क्वारंटीन यहाँ पर होना पड़ा। पूर्व योजना के मुताबिक भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बबल से बबल में ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन इंग्लैंड में भारतीय कैंप में कोरोना के मामले सामने आने की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने क्वारंटीन की अवधि खत्म कर टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। टीम के सोशल मीडिया अकाउंट पर विराट की प्रैक्टिस में यहाँ पर खिलाड़ियों को जुड़ने का भी एक वीडियो जारी किया गया। दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आई। टीम में शामिल किए गए श्रीलंका के स्पिनर मनिंदु हसरंग भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनके साथ मिलते हुए दिखाई दिए।